यदि मुझे कैंसर है तो क्या मेरे बच्चे में भी कैंसर का रिस्क है? यदि मुझे कैंसर हो गया है तो क्या मेरे भाई या बहन में भी कैंसर का रिस्क है? मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों को कैंसर है, क्या मुझे भी कैंसर का रिस्क है? तो ये मेरी ओपीडी में पूछा जाया बहुत ही कॉमन और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है और फैमिलियल कैंसर के बारे में पेशेंट्स को बहुत ही डाउट्स है। तो आज के वीडियो में फैमिलियल कैंसर की कॉन्सेप्ट को पूरी तरह कवर करेंगे, तो ध्यान से देखें। मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोगों को पता है और पेशेंट्स को भी पता है कि कैंसर की फैमिलियल क्लस्टरिंग होती है, यानी कुछ कैंसर जेनेटिक होते हैं जो माता पिता से बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं, और कुछ फैमिलीज होती है जिसमें बहुत सारे पेशेंट्स को कैंसर है, पर लोगों को एग्जैक्टली डिटेल नहीं पता कि ये किस तरह के पेशेंट में होता है और इस चीज़ को प्रिवेंट कैसे करें और इससे बचे कैसे। तो आज के वीडियो में इस टॉपिक से डीलिंग सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जेनेटिक या इनहेरिटेड कैंसर का मतलब क्या है। तो दोस्तों, जब कोई नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट होता है, हमें से किसी के अंदर भी, तो उसमें क्या होता है कि सेल की जो नॉर्मल DNA डिवीजन की मशीनरी है उसमें कुछ खराबी हो जाती है। जैसे एक नॉर्मल सेल जो नॉर्मल कंट्रोल डिवाइड करता है वो अनकंट्रोल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है और अपने लाखों करोड़ों के कॉपीज बना लेते हैं, उसको कैंसर बोलते हैं। तो जो DNA की खराबी है कुछ पेशेंट्स में ऐसी होती है कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर से या नॉर्मल वेरिएंट एयर से सेल्स में DNA डैमेज हो जाता है, पर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका DNA शुरू से ही खराब है। उनका DNA जब वो पैदा हुए थे तभी से उनके DNA में खराबी है जो उनको कैंसर का रिस्क बढ़ाता है, और DNA की खराबी आगे चल के जब थोड़ी सी प्रमोट हो जाती है या स्टिमुलेट हो जाती है तो कैंसर उनमें फास्टर रूप से डेवलप हो जाता है और रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है, और इसको इनहेरिटेड या हेरिडिटरी कैंसर बोलते हैं। तो इन पेशेंट में प्रॉब्लम क्या है कि जो कैंसर का रिस्क है वो हेरिडिटरी है, यानी उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया है। उनके दोनों पेरेंट्स में से एक में यही प्रॉब्लम थी जो कि अब वही प्रॉब्लम उनको पास ऑन हो गई है और उसकी वजह से उनकी बॉडी में भी कैंसर का रिस्क है। तो इस चीज़ को इनहेरिटेड या जेनेटिक कैंसर बोलते हैं। तो यदि आप परसेंटेजेस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 5-10% कैंसर हेरिडिटरी होते हैं। तो यदि किसी भी कैंसर पेशेंट के ग्रुप में हम 10 पेशेंट देख रहे हैं तो उनमें से एक पेशेंट ऐसा होगा जिसमें इनहेरिटेड या जेनेटिक कैंसर होता है। दो, नेक्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इन पेशेंट माइंड इज कि जो ये हेरिडिटरी या जेनेटिक कैंसर है इसके फीचर्स क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक क्या है। तो कैसे कोई ऑन्कोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि ये कैंसर हेरिडिटरी या जेनेटिक हो सकता है? तो दोस्तों, हेरिडिटरी या जेनेटिक कैंसर्स की कुछ स्पेशल फीचर्स होती है जो डॉक्टर को क्लू देते हैं कि शायद ये कैंसर पेरेंट्स से इनहेरिटेड है। तो सबसे पहला तो बिल्कुल ऑब्वियस क्लू ये है कि यदि किसी की फैमिली में ब्लड रिलेटिव में बहुत सारे कैंसर पेशेंट है तो ये पॉसिबल क्लू है कि उसकी फैमिली में कैंसर का जीन है जो पास डाउन हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल, यदि कोई आदमी है उसके फादर को कैंसर है, उसके फादर के ब्रदर को भी कैंसर था, उस ब्रदर के किसी बेटे को भी कैंसर है, तो ये एक सिग्नल है कि इस फैमिली में कोई ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है जो पेशेंट को अपने फादर के साइड से मिली और फादर को ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर की साइड से मिली है जो कि मल्टीपल रिलेटिव्स को अफेक्ट कर रहा है। नंबर टू है एज। तो चूंकि जिन पेशेंट को जेनेटिक कैंसर है उनका जीन ऑलरेडी पैदाइशी डैमेज्ड है, इसलिए नॉर्मल आदमी में जिसमें जेनेटिक डैमेज होने में 50-60-70 साल लगते हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि इस तरह 15-20 या 30 साल में जीन डैमेज इतना हो जाता है कि नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो जेनेटिक या फैमिलियल कैंसर होते हैं वो यूजुअली यंग एज पे होते हैं, यानी यदि फॉर एग्जांपल हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो यदि नॉन जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर 50 या 60 में होता है तो हम देखते हैं कि जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर 30 या 40 में ऑलमोस्ट 20 साल पहले होता है। तो यंग एज इज ऑल्सो फीचर ऑफ जेनेटिक कैंसर। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ कैंसर। तो हर जीन सेम नहीं होता, अलग अलग कैंसर जीन की अलग अलग तरह के कैंसर कॉज करते हैं, और किस तरह का कैंसर हो रहा है उससे हमें क्लू पा सकते हैं कि इसमें कौन सा जीन डिफेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही फेमस और वेल नोन जीन है इसको BRCA BRCA बोलते हैं, जो मेनली ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर कॉज करता है। एक दूसरा जीन होता है इसको लिंच सिंड्रोम या HNPCC बोलते हैं, जिसे मेनली आंत का और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के कैंसर होते हैं। फिर एक अगला जीन है जिसको हम लीफ रोमेनी सिंड्रोम बोलते हैं, जो कॉमनली ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, सार्कोमा और एड्रेनल ग्लैंड के कैंसर कॉज करता है। एक FAP यानी फैमिलियल एडेनोमेटोसिस पॉलीपोसिस बोलते हैं, जो 20 या 30 साल की उम्र में कॉलन कैंसर कॉज करता है, एंड सो ऑन। तो ये एक तरह की क्लस्टरिंग होती है जो कि एक स्किल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट देख के जज कर सकता है कि इसमें जेनेटिक रिस्क होने का स्ट्रॉन्ग डाउट है। फाइनली, कैंसर का जो टाइप है वो भी हमें क्लू दे सकता है कि पेशेंट को जेनेटिक कैंसर है। कुछ टाइप ऑफ कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारे अलग अलग तरह का होता है, उसमें एक स्पेशल तरह का कैंसर होता है जो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो देखा गया कि ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली जेनेटिक कैंसर से एसोसिएटेड है, और जिन लोगों को ट्रिपल नेगेटिव कैंसर होने कॉमनली जीन फैमिलियल या इनहेरिटेड जेनेटिक कैंसर होता है। तो ये भी कुछ क्लूज होते हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट को पॉइंट कर सकते हैं पेशेंट में
जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है, जेनेटिक कैंसर हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेनेटिक कैंसर की टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई शुड वी टेस्ट फॉर जेनेटिक कैंसर। मान लो मुझे कोई पेशेंट देख के लगता है कि इसमें जेनेटिक कैंसर हो सकता है, तो उसको टेस्ट करने का क्या फायदा है। तो दोस्तों जेनेटिक टेस्टिंग के तीन इंपॉर्टेंट फायदे हैं जो हम एक एक करके कवर करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि टेस्टिंग से उस पेशेंट को क्या फायदे हैं। तो पेशेंट को दो फायदे हैं। नंबर वन ये है कि यदि हमें लगता है कि पेशेंट को कोई स्पेसिफिक जीन म्यूटेशन वाला कैंसर है, तो एक तो आज के ज़माने में कुछ नई ट्रीटमेंट्स हैं जिनको हम टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, जो स्पेसिफिकली जीन पे हिट करती है और कैंसर का बहुत अच्छा आउटकम देते हैं। जैसे क्लासिकल एग्जांपल है ओलापेरिब नाम का ड्रग, जो ब्रका म्यूटेटेड जेनेटिक कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है और डिजीज को सालों साल तक कंट्रोल और कभी कभी खत्म भी कर सकता है। दूसरे एग्जांपल है इम्यूनोथेरेपी, जो एक लिंच सिंड्रोम नाम के जेनेटिक सिंड्रोम में बहुत अच्छा काम करती है, और इसमें भी चाहे स्टेज 4 कैंसर हो, यदि पेशेंट को लिंच सिंड्रोम है तो उसको जड़ से इलाज कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं सिर्फ दवाइयों से। तो फर्स्ट इज की अगर हमें जीन पता है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है, तो उस जीन की दवाइयां अब डेवलप हो चुकी है जो उस कैंसर को किल कर सकती है और पेशेंट को बहुत अच्छा आउटकम दे सकती है। नंबर टू, पेशेंट का फॉलोअप में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट में कैंसर का रिस्क कितना है, जेनेटिक कंपोनेंट कितना है। फॉर एग्जांपल यदि कोई नॉन जेनेटिक कैंसर वाला ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट होता है, तो यूजुअली उसका फॉलोअप हम कम करते हैं, एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराते हैं, हाथ से चेक करते हैं। मान लो इलाज पूरा होने के बाद रूटीन फॉलोअप है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा हम परेशान नहीं करते, मिनिमल चेकअप करते हैं कि बीमारी वापस आने से पकड़ सके। पर यदि किसी को जेनेटिक कैंसर वाला ब्रेस्ट कैंसर है, तो उसमें हम साल में एक बार MRI कराते हैं, मल्टीपल टेस्ट करते हैं, पेशेंट को फ्रीक्वेंटली बुलाते हैं, ओवरीज का चेकअप करते हैं, मल्टीपल ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पेशेंट का जस्ट बिकॉज हमने ब्रेस्ट कैंसर ठीक कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कैंसर का रिस्क कम हो गया। पेशेंट को दूसरे ब्रेस्ट में कैंसर का हाई रिस्क है, ओवरीज में कैंसर का हाई रिस्क है, एंड सो ऑन। तो हमारा सर्वेलेंस बहुत ही इंटेंस और केयरफुल होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट फायदा ये है फैमिली मेंबर्स को। तो सपोज कोई मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मेरे में पता चला कि मेरे में जेनेटिक डिफेक्ट है, तो उसका इंप्लीकेशन ये है कि मेरे ब्रदर या सिस्टर में भी 50% चांस है कि जेनेटिक रिस्क है, मेरे माँ बाप में से एक के पास जरूर जेनेटिक रिस्क है, और मेरे बच्चों में भी 50% चांस है कि जेनेटिक रिस्क है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा उन सबका टेस्टिंग कराना, और उनमें से किसी में भी अगर मान लो टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो हम यंग एज से ही उनको इंटेंसिवली फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे, कैंसर वैक्सीन लगाएंगे, दवाइयाँ देंगे ताकि कैंसर ना हो, उनका फ्रीक्वेंट MRI या CT कराएंगे ताकि कैंसर टाइम से पकड़ा जाए, एंड सो ऑन, ताकि जो स्ट्रगल से मैं जूझ रहा हूँ वही स्ट्रगल से मेरी फैमिली मेंबर को ना जूझना पड़े। इसीलिए सस्पेक्टेड जेनेटिक कैंसर में जीन टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम टाइम से फैमिली मेंबर्स में रिस्क आइडेंटिफाई कर सके, उनको टाइम से कैच कर सके और पेशेंट की भी हेल्प कर सके। तो फाइनली आते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग कैसे होती है। तो दोस्तों जेनेटिक टेस्टिंग बहुत ही सिंपल टेस्ट है, या तो ब्लड से या सलाइवा से DNA निकाल कर उस DNA की जाँच की जाती है, देखने के लिए कि पेशेंट के जर्म लाइन में कौन सा जीन डैमेज है और क्या जेनेटिक इम्प्लीकेशन है। पर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक ऐसा टेस्ट नहीं है कि भाई लाल पैथम लैब में गए और सैंपल दे दिया। इस टेस्ट के लिए प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग यानी डॉक्टर से डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेस्ट सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आता। ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, इनडिटर्मिनेट आ सकता है, VUS आ सकता है जिसमें डॉक्टर का इंटरप्रिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नेगेटिव आ सकता है, और अलग अलग जीन के अलग अलग इंप्लीकेशंस है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक टेस्टिंग कभी खुद नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर से काउंसलिंग के बाद ही केयरफुली टेस्टिंग करनी चाहिए और उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना चाहिए। दोस्तों आई होप जेनेटिक और इनहेरिटेड कैंसर के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, और आपको एक एक्शनेबल इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि यदि किसी कैंसर पेशेंट या कैंसर पेशेंट की फैमिली मेंबर को पता करना है कि उसको जेनेटिक कैंसर है या नहीं, तो उसको क्या करना चाहिए और इसके क्या इंप्लीकेशन है। दोस्तों इस वीडियो के अलावा कोई भी क्वेश्चन है जो वीडियो में आपका सॉल्व नहीं हुआ हो, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब आपको जल्द से जल्द मिले। साथ ही कैंसर से रिलेटेड अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े। हमारा गोल ये है कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कैंसर इन्फॉर्मेशन और कैंसर ट्रीटमेंट्स हमारे देश के पेशेंट को उनकी लैंग्वेज में मिले, ताकि उनका आउटकम बेस्ट पॉसिबल हो। तो इस मिशन में हमसे जरूर जुड़े। हम जल्दी वापस आएंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।